दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। रामलला के आते ही भारत में हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देख पूरी दुनिया के होश उड़ गए। भगवान ने आते ही दिखाई अपनी दिव्य शक्तियां जिसने पूरे भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अयोध्या जन्मभूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही भारत को एक के बाद एक फायदे होते जा रहे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि वाकई में राम राज्य आ गया है। भगवान श्री राम अपने भक्तों का उद्धार करने पहुंच गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और वह कौन से चमत्कार हैं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, आज मैं यानी आपका दोस्त आपको सब कुछ बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि अयोध्या राम मंदिर के बनने से देश को क्या फायदा हुआ है। बस बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में हमारे साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वैसे तो रामलला के आने से पूरा भारत खुशी से खिल उठा है। अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको कैसा लगा? जब तक मोदी और योगी हैं तब तक हिंदू का रक्षण होगा। भक्त अपने प्रभु के आगमन से खुश होकर सभी दुख दर्द भूल गए हैं। लेकिन भारत को दो जबरदस्त खुशखबरियां मिली हैं। अब आप इसे संयोग ही कहिए कि प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। भारत ने हांगकांग को पछाड़कर पहली बार टॉप 4 में जगह बनाई। इस मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान है। भारत इस मुकाम पर आज तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन भगवान श्री राम ने अपना हाथ भारत के ऊपर रख दिया और अब भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है क्योंकि राम मंदिर भारत के लिए बहुत बड़ा खजाना साबित होने वाला है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि राम मंदिर के बनने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों यह खबर उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें राम मंदिर के बदले में स्कूल और हॉस्पिटल चाहिए थे और उन्होंने कहा था राम मंदिर से क्या होगा, इस जगह पर क्यों ना एक अस्पताल बनाया जाए। क्योंकि राम मंदिर बनने से कई सारे लोगों ने सवाल उठाए कि सरकार को मंदिर बनाने की बजाय स्कूल अस्पताल बनवाने चाहिए और रोजगार के नए अवसर खुलने चाहिए ताकि देश की तरक्की कर सके। अब अगर देखा जाए तो सरकार पहले से ही स्कूल अस्पताल बनवा रही है। देश में अस्पतालों और स्कूलों की कोई कमी नहीं है और इसका नमूना आप महामारी के समय देख चुके हैं। क्योंकि एक तरफ महामारी आने से दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर गई थी, भारत में इतने बुरे तरीके से वायरस ने अपना अटैक दिखाया था, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे देश की सरकार ने वह भी मुमकिन कर दिखाया। पर कितने अफसोस की बात है, ना इतना कुछ होने के बावजूद लोगों ने राम जन्मभूमि में अस्पताल बनवाने की मांग की। इस तरह के लोगों से अगर पूछा जाए कि सऊदी अरब में मक्का मदीना में कितना बड़ा अस्पताल बनाया जा सकता है, यह मुंह में दही जमा कर बैठ जाएंगे। इनके मुंह से तब अस्पताल बनवाने की बात नहीं आएगी क्योंकि तब ये अपने धर्म को लेकर लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। हज और उमरा से सऊदी अरब को हर साल अरबों की कमाई होती है। मक्का मदीना अगर ना हो तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती दोस्तों, क्योंकि केवल तेल बेचकर तो सऊदी अरब इतना अमीर नहीं बन सकता, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। हाँ, जब बात राम जन्मभूमि की आती है तो सभी को अचानक से स्कूल अस्पताल याद आ जाते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो मंदिर की जगह पर अस्पताल या स्कूल बनवाने की चाहत रखता है, तो हमारी यह खबर आपको हैरान करके रख देगी। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 से 25,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च ने अनुमान जारी करते हुए कहा है कि 2022 की तुलना में 2024 में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च करीब दुगुना हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दो कदम उठाए गए हैं। उसके चलते अब पर्यटक 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे और उसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं कि राम मंदिर में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं।
अगर साल 2022 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटक ने 2 लाख करोड़ खर्च किए थे। इस दौरान विदेशी पर्यटकों ने 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। SBI रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर के टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त मुनाफा होगा और केवल उत्तर प्रदेश की GDP यूरोपियन देश नॉर्वे से ज्यादा हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, केवल राम मंदिर के बनने से भारत को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, और हम बार बार कहेंगे अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भगवान का आगमन हुआ है। जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी भव्यता देखने लायक होगी। मंदिर के साथ साथ अयोध्या नगरी को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, उसे संवारा जा रहा है, पूरे शहर की मरम्मत की जा रही है ताकि आने वाले पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव हो। जब यह सब कुछ हो जाएगा तो अयोध्या राम मंदिर से भारत की GDP को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो अयोध्या के बाद मथुरा और काशी में भी उसी तरह के मंदिर बनाए जाएंगे जो न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों में रहने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करेंगे। बाकी मोदी जी लक्षद्वीप में जाकर फोटो शूट तो करवा ही चुके हैं, जिसका क्रेज आप लोगों के बीच और बढ़ गया है, और वहाँ भी लोग भारी मात्रा में जा रहे हैं। यानी अब भारत हमारा अपने टूरिज्म सेक्टर पर पूरी तरह से फोकस करके काम कर रहा है, जो अभी भी लोगों को मजाक लग रहा है। लोग सोच रहे हैं कि भारत क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है, क्यों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बजाय मंदिर बनवा रहा है। लेकिन वह तो लोगों को बाद में पता चलेगा जब यही धार्मिक स्थल भारत की तरक्की का एक बड़ा उदाहरण बनेंगे। और अगर राम मंदिर बनवाने में भारत को कोई फायदा ना भी हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम की अपनी जन्मभूमि अयोध्या में वापस आना ही बहुत है। उनका आशीर्वाद रहा तो हम किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ ही जाएंगे, क्यों दोस्तों? सही कहा ना हमने? बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।